हेलो एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूसीसी में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भूगोल भाग 3। इसमें आज हम कवर करेंगे महाद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट। इसमें कवर करेंगे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं लूसेंट बुक के बारे में, ये बुक जो आप काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। तो इस बुक को आज हम कवर करेंगे। इस बुक में से हम लोग ये टॉपिक आज हम देखेंगे। इसमें से कौन कौन से फैक्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सबको आज हम हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक इसके पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्ट को देखने के लिए आप लूसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको मिलेंगे इसके प्रीवियस पार्ट और इस बुक का हिस्ट्री का जितना भी पार्ट था, जो भी भाग था, जो भी इसमें आपको इतिहास मिलता है इस बुक में देखने के लिए, उन सब के वीडियो इस चैनल पे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस बुक को अपने साथ लेके बैठिए और पेन पेपर, आपको जिससे भी हाइलाइट्स करना है उसको हाइलाइट करिए, लेकिन टाइम टू टाइम इस बुक का रिवीजन जरूर करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी पर भूभाग की, मतलब कि भूमि की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं, महाद्वीप। और संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल है, जो कंप्लीट जो प्लेन भूमि है पृथ्वी की, इसमें टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। आपसे कभी कभी रेलवे के एग्जाम में या अदर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि पृथ्वी में टोटल कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से क्या करता है, वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 7 महाद्वीपों में पूरी पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं 7 महाद्वीप? पहला है आपका एशिया, सेकंड यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका और फिफ्थ है आपका अफ्रीका, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 अंटार्कटिका। अब हम धीरे धीरे महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप की, कि एशिया महाद्वीप में से कौन कौन से कीवर्ड आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होने चाहिए। आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ग्रेड डी, ग्रेड सी, ग्रेड बी, स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देते हो, तो ये बुक आपको ख़त्म करनी ही करनी पड़ेगी अच्छे से, ईमानदारी से। अगर इस बुक को अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मार्केट से इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। कोई भी बुक सेलर आपके घर के आसपास होगा तो उसके पास जाइए, उसको सिंपल बोलिएगा कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की ये बुक मुझे चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जो एशिया का मतलब आंसू, और ये कौन सी भाषा थी, ये थी आपकी हिब्रू भाषा, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। एशिया क्या है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत फैला हुआ है, ठीक है? याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो वो कौन सा है, एशिया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि लाल सागर और स्वेज सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो दो सागर कौन कौन से हैं, लाल सागर और स्वेज सागर।
एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। आगे हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। देखिए मैं आपसे बस एक बात और बोलूँगा कि ज्योग्राफी अगर आप कभी भी रीड करते हैं तो अपने साथ एक मैप रख लीजिए, एटलस, ऑक्सफोर्ड, किसी का भी मैप। आपको पता होनी चाहिए कि एशिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, रसिया कहाँ पर है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ज्योग्राफी में पढ़ने का मजा तभी है जब आपके पास में एटलस भी हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बस ऐसे ही वीडियो देख लिया, सर्च करा और ये सामने वीडियो खुल गया तो अलग मैटर है, तो आप परचेज ना करें। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, तो उनको एक एटलस परचेज करना पड़ेगा। मार्केट से परचेज करिए और इस एक एक वीडियो को अपने मैप के साथ भी टैली करते चले जाएँ, ठीक है? कहाँ पर एशिया है, कहाँ पर अफ्रीका है, कहाँ पर कौन सी रिवर बहती है, वो सब। तो अभी तो फिलहाल मैं बात करता हूँ बेरिंग जल संधि क्या करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और विश्व का लगभग 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, ये करती है इस महाद्वीप पर। कौन सी? एशिया महाद्वीप पर। कॉमन सी बात है, अगर इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर निवास भी ज़्यादा होगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, वे इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और अगर बात करी जाए महाद्वीप के बारे में तो वो कौन सा है? एशिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। हम बोलते तो हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, हम काफ़ी करंट अफेयर्स में ये वर्ड सुन लेते हैं, इस एवरेस्ट का नाम सुनते हैं, तो हमको लगता है कि ये भारत में है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली नेपाल में है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सागर माथा। उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? यह है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में 2,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फिर हम बात करते हैं कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यह है आपका पामीर। पामीर का पठार एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर पठार एशिया में, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार। मैं इसको 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे आपको तुरंत अभी याद हो जाए जिसकी ऊंचाई कितनी है। चलिए अब ऊंचाई की बात करते हैं। इसकी ऊंचाई है 4,875 और इसको बोलते हैं विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर के पठार को। अब हम बात करते हैं एशिया के बारे में कि ये जो एशिया में विश्व की सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये है आपकी चीन में, और सेकेंड नंबर पे आता है आपका भारत। अब हम बात करते हैं कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो ये है आपका सिंगापुर। अगर घनत्व की बात करी जाए तो सिंगापुर, अगर कॉमन केवल नॉर्मल जनसंख्या के बारे में बात करी जाए तो वो होगा आपका चीन। अभी हम बात करते हैं कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपके लिए यांगसी, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर है। अगर हम बात करें गहराई के बारे में तो वो है आपका मृत सागर, लेकिन आपसे ये क्वेश्चंस कम पूछेगा, आपसे पूछेगा एशिया में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। आगे हम बात करते हैं एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा क्या है सागरीय गर्त? प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त है। सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है, तो वो है आपका मरियाना गर्त। आगे हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है आपकी कैस्पियन सागर। कौन सी झील है ये? कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील।
रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है, ठीक है, याद रखना। ये कहाँ पर है? ये है आपके साइबेरिया में। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपकी पैगांग झील। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति, जो उसकी स्थिति है, उसका पता लगाया और 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के ये महासर्वेक्षक रहे। और विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता है। चोटी 15 किसको बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट को। एवरेस्ट की स्थिति क्या है, ये आपका क्वेश्चंस आ सकता है आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो इसलिए इसकी जो इसकी स्थिति है एवरेस्ट की, वो आप याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जुंको तबाई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। जुंको तबाई जो है कहाँ की है? यह है जापान की, और ये पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और बैचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। जापान की पहली महिला थी, उनका नाम था जुंको तबाई, और बैचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला। आगे बात करते हैं भारत में सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति था जो चढ़ा था एवरेस्ट पर, ये था नोएडा का रहने वाला और उसका नाम था अर्जुन सिंह। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसमें विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? उसका नाम है भारत। और एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जापान में। और एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? इसका नाम है जावा। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है? यह है आपका सिकन। कहाँ पर है? यह है जापान में, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। तो आपको गहराई याद नहीं रखनी है, हो सके तो आप इसकी लंबाई याद रखिए और इस सुरंग का नाम क्या है, ये कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। और थाईलैंड की एक खास बात और है, यहाँ पर सफ़ेद हाथी मिलते हैं। प्राकृतिक जो रबड़ है वो कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। आगे हम बात करते हैं एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? यह है मलेशिया। और उसके बाद हम कवर करेंगे यहाँ पर कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश, मतलब कि शिप पानी के जहाज, कौन सा देश बनाता है? ये बनाता है जापान। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डम मरुमध्य बेरिंग ये कौन सा है? इसका नाम क्या? इसका नाम है अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच में है। जो बेरिंग है वो कहाँ पर है? इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडम मरुध्य है वो कौन सा है? बेरिंग। इसका नाम क्या है? बेरिंग। आगे हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिभुज मतलब कि तीन कोने, ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। कौन आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। तो आप इसको इसी तरह से हाइलाइट्स करना है जैसे जैसे इस बुक में कर रखा है, सेम डिट्टो आपको वैसे ही हाईलाइट करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप देख लीजिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। यूरोप, अब हम बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है और इस महाद्वीप में कितने देश हैं? 46 देश।
और यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं यूरोप को। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़े से पॉइंट और बढ़ते हैं कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर अलबुर्ज है और इसकी हाइट कितनी है, 5642 5642 और ये कहाँ पर है, ये है आपका रूस में। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपका माउंट ब्लैक है और ये कहाँ पर है, फ्रांस में। उसके बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है आपके वोल्गा नदी। अब तक हमने बात करी थी एशिया के, याद रखिएगा अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप के। तो एशिया को यूरोप में मर्ज मत करना माइंड में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना कि दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों की अलग अलग खासियत है। अभी हम बात कर रहे हैं यूरोप के, अगर मैप होता आपके पास में तो बहुत अच्छा रहता, आप डायरेक्ट यूरोप का मैप खोल लेते, वहाँ पर फिर आप देखते कि लंबी नदी कौन सी है। इस तरह से क्या होगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ कि टाइम लगेगा, एटलस टाइम खर्च करता है, लेकिन एटलस आपकी कहीं ना कहीं नींव को भी मजबूत करता है। जो लोग एटलस स्टडी करते हैं तो कभी ना कभी आप उनसे बात करके देखना, उनकी ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बार टाइम दे दिया ज्योग्राफी पर और उनको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद रही, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ को टैली करा मैप के साथ, एटलस के साथ। तो इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों पर और आज ही मार्केट से जा करके एटलस परचेज कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है और इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। तो केवल केवल आपको याद रखना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यह है वोल्गा नदी, और आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में वोल्गा नदी की लंबाई पूछ सकता है। तो यह है आपकी 3687 किलोमीटर। अगला जो पॉइंट है वो है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो है लंदन, और लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है टेम्स नदी के तट पर। अगला जो पॉइंट है वो है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो सीन नदी के तट पर स्थित है। देखिए यूरोप में लंदन और पेरिस, ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी के तट पर यह स्थित है, तो टेम्स नदी और सीन नदी दोनों ही आपको याद रखनी है। शायद आपको ये टेम्स नदी के बारे में पहले से पता होगा, अगर आपको तैयारी करते हुए एक साल हो चुका है और आपने कभी रियल एग्ज़ाम दिया है, रियल एग्ज़ाम देने से पहले आपने अगर एक दो मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आप इस क्वेश्चन से काफ़ी अच्छी तरह से अवगत होंगे। आगे हम बात करते हैं कि यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, कौन, पेरिस, इसे फैशन की नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, फैशन की नगरी। आगे हम बात करते हैं राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त एवं अंतस्थलीय जलमार्ग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है, रूस, और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है तो रूस, लेकिन ये कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं यूरोप को। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं, झीलों का देश किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं फिनलैंड को, और ये कहाँ पर है, ये है आपका यूरोप में। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ कहाँ पे हुआ है, इटली एवं स्वीडन में, कहाँ कहाँ पर, इटली और स्वीडन में, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में, ये जो आपस में जो कनेक्ट होता है वो कौन सा दर्रा है जो स्विट्जरलैंड को और इटली के बीच को आपस में मतलब जोड़ता है, तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। इटली से हमको यहाँ पे जाना है स्विट्जरलैंड, या यहाँ से हमको इस स्थान पे जाना है, तो एक दर्रा है जो एक दूसरे को आपस में क्या होता है, जोड़ता है, कनेक्टिविटी बनाए रखता है,
तो उसका नाम क्या है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किसको इटली की गंगा बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पो नदी को। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। कौन सी नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है? तो ये है आपकी फ्रांस की नदी है। फ्रांस की कौन सी नदी है? ये है सीन नदी। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु यूरोप। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि किसानों का देश किसको बोलते हैं? ठीक है, किसानों का देश बोलते हैं फ्रांस को। फ्रांस यूरोप का एक एकमात्र ऐसा देश है जो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता रखता है। खाद्यान्न उत्पादन वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाता, वो बाहर से परचेज नहीं करता, बाहर के देशों से अपनी भूमि पर उत्पादन करता है और अपने ही देश के लोगों का लालन पालन उसके द्वारा करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको किसानों का देश। किसानों का देश की संज्ञा किसको मिली है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा तो आपको याद रखना है फ्रांस। उसके बाद हम बात करते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया वे अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है ये? ये है तीसरा बड़ा महाद्वीप। और इसमें कुल देश कितने हैं? तो इसमें कुल 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका वे कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किसने करी थी? कोलंबस ने। कोलंबस, तो कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी। कभी कभी बच्चे ये उत्तरी अमेरिका में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है दक्षिण अमेरिका। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। इसे नई दुनिया मतलब कि न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, सीधे आते हैं नीचे, थोड़ा सा बढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंड लैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मत्स्य पालन, मछली का पालन बहुत ज्यादा होता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका कौन सा स्थान है? ये है इसका दूसरा स्थान। और विश्व में पहली पोजीशन पे कौन खड़ा हुआ है? ये है आपका कजाकिस्तान। दूसरे पर कौन है आपका? उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, कनाडा। उसके बाद में, और विश्व में पहले नंबर पे कौन है? कजाकिस्तान। अब हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और हमारे इंडिया में बोलते हैं सोया देश। सोया देश बोलते हैं मध्य प्रदेश को। जिसका एमपीपीएससी का एग्जाम होगा, एमपीएसआई का एग्जाम होगा, तो वो ये चीज याद रखिएगा, सोया देश मतलब मध्य प्रदेश। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील है। ये कौन सी झील है? ये है आपके ग्रेट साल्ट लेक में स्थित है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है? ये विनिपेग कहाँ पड़ता है? कनाडा में। और संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये आपका न्यूयॉर्क। पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन से हैं? कोलन और पनामा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये आपका मैक्सिको सिटी। क्या है ये? मैक्सिको सिटी। और बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अब दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो हुआ है वो है दक्षिणी गोलार्ध में। और विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप भी है ये। और इसका क्षेत्रफल कितना है ये आपको जानने की आवश्यकता इतनी नहीं है। चौथा बड़ा महाद्वीप है और कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका का देश कौन कौन सा है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। किसमें? भूमध्य रेखा पर जो स्थित देश हैं दक्षिणी अमेरिका के देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? ये है आपका सेलवास। और इस महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये है आपका रियो डी जनेरियो। कहाँ पर? ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को बोलते हैं पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में।
कंपास भी काफी अच्छा वर्ड है, ये याद रखिएगा आप लोग भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। इटाबीरा किस क्षेत्र का, ये है आपका लौह अयस्क खनन केंद्र, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ब्राजील में। उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व में कहवा का पात्र, मतलब कि कहवा का बाउल किसको बोलते हैं, ब्राजील को बोलते हैं, और विश्व में कहवा की मंडी बोलते हैं साओ पायलो को, किसको, साओ पायलो को। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है, ये आपका अर्जेंटीना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, यह है आपका उरुग्वे। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यह है अफ्रीका, और ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, और पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर। पूर्व में क्या है, हिंद महासागर, और पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका केवल एक ऐसा देश है जहाँ पे ये तीनों के तीनों चीजें गुजरती हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका की, अगर ये पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में, तो आपको याद रखना है विक्टोरिया झील। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है, विक्टोरिया झील से ही निकलती है, ठीक है, और भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, दोनों की दोनों चीज़ें आप अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, फिलहाल अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी काटती है विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, दो बार डिवाइड करती है। आगे हम बात करते हैं अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वेल्ड। और सवाना क्या होते हैं, सवाना जो घास के मैदान होते हैं वो होते हैं उष्ण घास। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं विश्व का सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलिनॉन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कुलिनॉन हीरा। अगला जो पॉइंट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल, ये नाम आपने सुना होगा, और ये क्या है, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, ठीक है। और इसका कितना एरिया है, इसका है 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है, और चार झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। और उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका सोना और हीरा के उत्पादन के लिए, ये जो स्थान है दक्षिणी अफ्रीका में सोना और हीरा काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और विश्व में इसका स्थान क्या है, ये प्रथम स्थान में है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं स्वर्ण नगर और हीरे का नगर, ठीक है। जोहान्सबर्ग को बोलते हैं स्वर्ण नगर, और बात करें किमरेले की, किमरेले को बोलते हैं हीरे का नगर या हीरो का नगर। अफ्रीका में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, यह है आपका केनिया। और स्टैनली जलप्रपात कहाँ पे है, कांगो नदी पर है, कहाँ पर है, यह है कांगो नदी पर। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है, जम्बेजी नदी पर। और नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यह है आपका विक्टोरिया झील, क्या है ये, विक्टोरिया झील। उसके बाद हम बात करते हैं नील नदी पर बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उसका नाम बताइए, उसका नाम होता है एग्जाम में आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका काहिरा, क्या, काहिरा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अफ्रीका में सिसल नामक पौधों से जूट पैदा होता है, और अफ्रीका में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यह है आपका नाइजीरिया। और अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश, जनसंख्या में और नगरीकृत में कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात पूछेगा आपसे एग्जाम में तो आपको याद रखना है नाइजीरिया, और अफ्रीका की बात करी जाए नगरीकरण तो यह है आपका लीबिया। कांगो देश को वनों का देश बोलते हैं, किसको वनों का देश बोलते हैं, कांगो देश, और ये कहां पर है, यह है अफ्रीका में।
आगे हम बात करते हैं, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193 सदस्य बना और 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी का नाम बताइए। इसका नाम है जूबा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, सबसे छोटा महाद्वीप है ये और ये मकर व्रत इसके मध्य से होकर गुजरता है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी एबल तस्मान ने, कब? 1682 में, और कप्तान कुक ने भी की थी। ठीक है, दो लोगों ने मिलकर के पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया को बनाया। इस महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? इस महाद्वीप में टोटल देश हैं 22। कितने देश हैं इसमें? 22। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खाने कौन कौन सी है? कालगुर्गी और कूलगार्डी। कालगुर्गी सोने की खान कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो वो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, डाटा, लैंग्वेज, सेंटेंस, आपका वाक्य थोड़ा बहुत फेर बदल करेगा और आपसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा, ये भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्किल्स आप डेवलप करिए। मैं ये बात आपको कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, घटना चक्र सामान्य अध्ययन बुक की जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखाए हैं, आपको ये भी मैंने समझाया था कि किस तरह से वो सेम क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछ रहा है। तो ये स्किल्स डेवलप आपको करनी पड़ेगी अगर आप एग्ज़ाम में जीएस पोर्शन में काफ़ी स्ट्रांग होना चाहते हैं तो। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को। एमू की टांगे लंबी होती हैं, इसके पंख नहीं होते, इस कारण यह खूब तेज दौड़ सकती है, लेकिन ये क्या है? उड़ नहीं सकती। कोका बर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक। इसकी ऊंचाई है 1754 मीटर। यहाँ के मूल निवासी को बोलते हैं माओरी कुक। शिखर को औरंगो कहते हैं। कीवी, कीवी क्या है? कीवी एक पक्षी का नाम है और ये क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का जो है ये है पांचवा बड़ा महाद्वीप है और कहाँ पर है ये? ये है दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिका की भूमि तीन महासागरों से क्या है? घिरी हुई है। तो कौन कौन से सागर हैं? ये है आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के दक्षिण छोर को दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर भी रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका का 98% भाग सदा क्या होता है? बर्फ़ से ढका रहता है। अंटार्कटिका में क्या है? बर्फ़ ही बर्फ़ है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं माउंट एब्रूस। अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय मतलब कि एक्टिव ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो वो है आपका माउंट एब्रूस। अब हम बात करते हैं लाइकेन वे मास। अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति का नाम है और यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। ठीक है, मछली जो होती है क्रिल मछली क्या होती है? ये ग्रुप में रहती है हमेशा। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट क्या क्या बात है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे बड़ा देश जो है अफ्रीका का वो है सूडान, और उसके बाद सबसे छोटे देश की बात करी जाए तो वो है आपका मेओटो। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, सबसे लंबी नदी नील, और गहनत बिंदु मतलब कि गहराई वाला बिंदु कौन सा है सबसे ज़्यादा? उसका है आपका असाई झील। तो आपको अफ्रीका में जो जो बात मैंने हाईलाइट करी है केवल केवल इतना याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद आपको याद करना है इसमें दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है ये है ब्राज़ील, और बात करी जाए सबसे छोटे देश की वो है आपका फॉकलैंड, और सबसे लंबी नदी का नाम क्या है इसका, अमेज़न, ये आपको पता होगा पहले से। तो आपको केवल केवल इतना याद रखना है, जो अब तक अफ्रीका के बारे में बताया गया था वो सभी पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं, याद करने हैं, और प्लस इसमें ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए, ये आपको बिल्कुल आपके दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज होने चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को ऑफलाइन सेव करते हैं तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट चैनल पर ये बनता है कि उसका व्यू काउंट नहीं होता, ठीक है। आपने ऑफलाइन सेव करा, आप उसको 3 बार 4 बार वॉच कर रहे हैं ऑफलाइन कंडीशंस में, तो उसका व्यू जो होगा काउंट नहीं होगा, तो ये यूट्यूब के सर्च इंजन पर अन्य लोगों तक, अदर स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइव देखिए, इसे ऑफलाइन सेव मत करिए, अपने साथ साथ उन बच्चों का भी ध्यान रखिए जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर किताबों की पहुंच नहीं है, जहाँ पर कोई बुक सेलर नहीं है, जहाँ पर कोई कंपटीशन का कोचिंग सेंटर नहीं है, तो वो लोग कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं यूट्यूब पर। तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ उनके विकास के बारे में भी जरूर सोचिए। तो लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।